प्रश्न है गिब्स पैराडॉक्स, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस। एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस हमने प्रीवियस सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स निकाला था, और यहाँ पर हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं इस यूनिट में स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो जो दोनों से जो एंट्रोपी निकाली है किसी आइडियल गैस की, वो थोड़ी डिफरेंस किसी पैरामीटर पे मैच नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स द एंट्रोपी ऑफ ए इरिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन जीरो और इट विल बी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। वी नो द डिफ्यूजन इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, डिफ्यूजन की दो गैस कंपार्टमेंट्स में हमने गैस फिल कर दी, जिस कंपार्टमेंट्स का वॉल्यूम V1 है, एक का V2 है, उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है N1 है N2 है, ए और बी दो। व्हेन वी मिक्स टू डिफरेंट गैसेस, एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक एंट्रोपी इंक्रीज बिकॉज डिफ्यूजन टेक प्लेस एंड वी नो डिफ्यूजन इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स। और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब हम दो थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग जब हम दो सिमिलर गैस को डिफ्यूज करेंगे देन द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग टू सिमिलर गैसेज आर आल्सो इंक्रीजिंग। क्योंकि जो थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक्स थी वो किस प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, चाहे वो सिमिलर हो या नॉन सिमिलर हो, उनकी क्या है, एंट्रोपी बढ़ेगी। चाहे हम सिमिलर गैस को डिफ्यूज करें दो सिमिलर या नॉन सिमिलर को, कि एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक एंट्रोपी विल इंक्रीज। पर अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इंक्रीज देन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर डिफरेंट गैस को मिक्स कर रहे हैं तो उनकी माइक्रोस्टेट्स इंक्रीज होंगी, न्यू माइक्रोस्टेट्स इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि डिफरेंट जो पार्टिकल है डिफरेंट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल अब मिक्स होकर नई स्टेट जनरेट करेंगे। अगर दो सिमिलर गैसेस के पार्टिकल डिफ्यूज हो रहे हैं तो उसमें कोई नई माइक्रोस्टेट जनरेट नहीं होगी, तो उसके जो स्टैटिस्टिकल जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो सेम रहेंगी, तो उसकी एंट्रोपी विल नॉट चेंज। बट व्हेन वी आर मिक्सिंग टू सिमिलर गैस देर विल बी नॉट एनी इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी एज देर इज नो इंक्रीज ऑफ माइक्रोस्टेट अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सो दिस इज द पैराडॉक्सियल फिनोमिना बिटवीन द थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स विच इज नोन एज गिब्स पैराडॉक्स। कि थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो अगर सिमिलर गैस डिफ्यूज कर रही हैं दो तो भी एंट्रोपी बढ़ेगी, पर अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कि जो जब दो सिमिलर गैस डिफ्यूज कर रही हैं तो एंट्रोपी विल नॉट चेंज, ओनली डिस्टिंग्विशेबल गैसेज जब डिफ्यूज करें तभी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी चेंज होगी। दिस इज नोन एज द गिब्स पैराडॉक्स। और इसके लिए जो एग्जांपल दिया है, लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट आइडियल गैसेस डिस्टिंग्विशेबल विद जो फिगर 3.12.1 में दिए विद नंबर ऑफ पार्टिकल N1 इन फर्स्ट कंपार्टमेंट ए ऑफ वॉल्यूम V1 एंड N2 नंबर ऑफ इन कंपार्टमेंट बी ऑफ वॉल्यूम V2। These two gases are at same pressure and temperature and are separated by partition as shown in figure 3.2.1. When the partition is removed, the gases will mix in volume V plus V2 at the same temperature. The entropy of the mixture increases since the process is irreversible, but when the gases are of same kind, the change in the entropy of the mixture should be zero. According to statistical mechanics, but we found increase in entropy. जब हमने experimentally perform किया तो experimentally जो result आया उसमें increase in entropy आई। तो जो statistical mechanics की जो statement थी कि similar gases जब diffuse करेंगे कि उनकी entropy change नहीं होगी, तो एक contradictory situation होगी क्योंकि वो experimental result के साथ भी match नहीं हुई। The Gibbs paradox is resolved by the concept of quantum mechanics।
और रिमूवल ऑफ पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स को रिजोल्व कैसे किया, जो एमबी स्टैटिस्टिक्स का जो एक्सप्रेशन आया था डिस्ट्रीब्यूशन का, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू, इसको फर्दर मैथमेटिकल सोल्व करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, और इस एक्सप्रेशन को हम एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे टू रिमूव द गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और जो थर्मोडायनामिक्स मैकेनिक्स है उसमें जो एंट्रोपी का इंक्रीज था आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ टू सिमिलर गैस वो डिफरेंट था, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन था थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो एंट्रोपी इनडिस्टिंग्विशेबल गैसेस के डिफ्यूजन पर बढ़ेगी क्योंकि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल है, कोई नई माइक्रोस्टेट इंट्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि जो एंट्रोपी है वो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है, और वो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट में कितनी है। तो वो सिमिलर गैसेस का डिफ्यूजन है तो नई माइक्रोस्टेट नहीं आ रही तो एंट्रोपी नहीं चेंज। तो ये जो पैराडॉक्स था जब ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट तो उसमें क्या निकल के आया कि एंट्रोपी सिमिलर गैसेस के डिफ्यूजन में भी बढ़ रही है। तो जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ये जो गिव्स पैराडॉक्स है ये किससे रिमूव एमबी स्टैटिस्टिक्स में, अगर सिमिलर गैसेस का डिफ्यूजन है तो उसमें एक्सप्रेशन को एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, उसको सकूर टेड्रोड इक्वेशन भी कहते हैं डिवाइड करने के बाद जो आई है, ये आज का लेक्चर है।